नवाज़ शलफ़ी साहब मैं ये आखिरी सवाल ले रहा हूँ इनके दो सवाल हैं गिबा बहुत से आसिम अल हकीम और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुनते हैं आपकी क्या राय है इनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए देखिए जो अल हकीम को सुनते हैं या तारिक मसूद को सुनते हैं उनको नहीं सुनना चाहिए आसिम हकीम जो हैं इनका मनहज वाजह नहीं है और ना ये अपने मनहज के बारे में कोई सराहत करते हैं बज़ाहिरन और हदीस की दलियाई पेश करते हैं और मनहज साहबा के बारे में कच्चे हैं उसकी सराहत नहीं करते उसका तस्करा या उसका हवाला नहीं देते हमारे लिए उसवा और नमूना है वो वही शख्स है जो कुरान और हदीस को सलफ़ सालिहीन के अखबाल के मुताबिक पेश करे तो आसम हकीम साहब की ये मुश्किल है कि वह मनहज की सराहत नहीं करते और जो शख्स मनहज की सराहत ना करे उससे इम नहीं लिया जा सकता तारक मसूद साहब का तस्करा आपने किया तारक मसूद साहब एक खास मकतब फ़िक्र के मुफ्ती हैं और उस मकतब फ़िक्र में कुरान हदीस के खिलाफ बहुत सारे मसाइल इख्तियार किए जाते हैं लिहाजा इस तरह के लोगों से भी इल्म नहीं लिया जा सकता